आंखें अगर लाल रहती हैं तो लापरवाही ना करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप चौहान आज आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपकी आंखें लाल रहती हैं, खारिश होती है, खुजली होती है, आंखों में जलन होती है तो क्या है उसका आयुर्वेदिक इलाज। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रिक गैजेट कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं वो डायरेक्टली हमारे आंखों के अंदर हीट पैदा करती हैं जिससे कि आँखों में रेडनेस पैदा होती है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो आँख जो है वो पित्त का स्थान है, एक प्रकार का पित्त आँख के अंदर रहता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले भोजन खाते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग या और किसी तरह का जो तीखा मिर्ची मसाले या तली हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इससे भी आपके आँख के अंदर लालिमा आ सकती है, उसमें खारिश खुजली आ सकती है। और एक बड़ा कॉमन सा एक जो है कारण इसका है, आमतौर पर लोग अपनी आँखों को ऐसे मसलते रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं थोड़ी थोड़ी देर में आंखें मसलेंगे, उसके माध्यम से भी आंख के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। तो करना क्या है, आयुर्वेद से जुड़ना है और आयुर्वेद कहता है कि रूट कॉज को हमें ठीक करना है। सबसे पहले आंखों में यदि आप दिन में 2-3 बार साफ स्वच्छ पानी से थोड़े आँखों में छींटे मारेंगे उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल भी आप आँखों में डाल सकते हैं, आँख आपकी कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। शाम को जब घर पहुँचते हैं तो फ्रिज में से थोड़ा खीरा का स्लाइस काट के आँख के ऊपर रख के एक एक स्लाइस और कम से कम 5-7 मिनट आराम से लेट जाइए तो जितनी हीट आपकी आँखों के अंदर गई वो सारी बाहर निकाल करके वो आपकी आँख को बिल्कुल ठंडा करेगा और आँख आपकी स्वस्थ होगी। जीवा का आयु नेत्र आयु ड्रॉप्स, ये हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि आई केयर हम लोग करते नहीं हैं, आँखों की देखभाल नहीं करते, आँखों का प्रयोग बहुत करते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। तो जीवा का जो आयु नेत्र हमारा आई ड्रॉप्स हैं दिन में 2 बार आप अवश्य डालें, आपकी आंख स्वस्थ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की आंखों की कोई समस्या हो या किसी तरह की कोई और भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आयुर्वेदिक उपचार यदि आपको करना है तो आप जो है हमारा सेहत का नंबर ज़रूर डायल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।